बाल आपके कितने भी खूबसूरत और लंबे हों, लेकिन अगर आपके बाल स्प्लिट एंड्स हैं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। सो जितना जरूरी होता है बालों की केयर करना, उतना ही जरूरी होता है बालों में से स्प्लिट्स एंड्स को रिमूव करना। और इसके लिए आप बाल कट करवाएंगे नहीं, कितनी मेहनत लगती है बालों को बढ़ाने में और उसके बाद आप स्प्लिट एंड्स की वजह से अपने बालों को कट कर लें नहीं। सो क्या करना है, बाल कट भी नहीं करवा सकते क्योंकि बालों को बड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप स्प्लिट्स को भी एंड नहीं करेंगे तो आपके बाल थिन होते जाएंगे और जहां से आपके बालों में दो मुंह स्टार्ट होते हैं वहां से ब्रेकेज होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है टाइम टू टाइम आपके बाल टूटने लगते हैं और आपके अच्छे खासे बालों की रेड बन जाती है, यानी कि आपके बाल बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बालों को बिना काटे यानी कि विदाउट कटिंग के आप अपने स्प्लिट्स को ऐड कर सकते हैं, दो मुहे बालों को रिकवर कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोज हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम और आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल पे वो जरूर मिलेगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर जरूर लेके आऊंगी। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। बालों को लंबा, स्मूथ, स्ट्रेट बनाने के लिए हम स्प्लिट एंड्स को अवॉइड करते रहते हैं। नीचे से हमारे बाल डैमेज होते जाते हैं और हम सिर्फ स्काल्प का ही ख्याल रखते हैं और अपने बालों के जो लुक होता है उसको ही हमेशा ध्यान में रखते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि स्प्लिट एंड्स आपके बालों को कितना ज्यादा डैमेज बनाते हैं। स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं? हमारे बालों की 3 लेयर होती है, जो हमें दिखाई देती है वो, जो हमें विजिबल होती है वो क्यूटिकल लेयर होती है, जो बीच की लेयर होती है वो कॉर्टेक्स होती है और जो लास्ट की यानी कि सेंटर लेयर होती है अंदर की उसे मेडुला बोलते हैं। तो जब हमारी क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है यानी कि वहां से ब्रेक हो जाती है तो वहां से दूसरा जो न्यू हेयर है यानी कि अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो प्रिवेंट करते हैं हेयर ग्रोथ को, तो वहां से दूसरा हेयर स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। एज ए एग्जाम्पल आपको दूं कि जब कोई भी पेड़ है अगर आप वहां से कट कर देते हो और अगर पेड़ के अंदर जान है तो वहां से दूसरी ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यही एग्जाम्पल आपके हेयर्स का होता है कि अगर आपकी क्यूटिकल लेयर कहीं से भी बीच में से डैमेज हो रही है तो वहां से दूसरा जो हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। आपको सिर्फ 2 लेयर के स्प्लिट एंड्स नहीं देखने को मिलेंगे, कभी कभी 3, 4, 5 लेयर में भी आपको नजर आते हैं। सो इस तरीके से हमारे स्प्लिट एंड्स दिखाई देने लगते हैं। अगर जो भी हम सप्लीमेंट यूज करते हैं, जो भी हम इनके लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं प्रोक्यूशन, वो इस चीज को रिपेयर करते हैं यानी कि आपकी जो क्यूटिकल लेयर होती है उसको रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से वो वहां से रिपेयर हो जाती है और दोबारा से आपके जो स्प्लिट है वो ग्रो नहीं करते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो कि आपको दावा करते हैं कि आपके स्प्लिट्स एंड हो जाएंगे, बट आई डोंट बिलीव कि वो वर्क करते हैं या नहीं करते बिकॉज मैंने कभी यूज नहीं किया उन्हें। और अगर मैं बात करूं अपने 2 नेचुरल तरीके से कि कैसे मैं अपने स्प्लिट्स को एंड करती हूं, तो फर्स्ट जो टाइप है वो है कि कटिंग बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी 0.5 सेंटीमीटर से भी कम अपने हेयर को ट्रिम कर लीजिए, तो जिससे क्या है जो स्प्लिट्स वाले हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और सेकेंड वे है होम रेमडीज। अगर आप नहीं अपने बालों को 0.5 सेंटीमीटर से भी कम नहीं कट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कट करना चाहते हैं, तो आप मेरी फिर ये वाली होम रेमडी यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं पहले स्टेप्स यानी कि ट्रिमिंग की, सो मैं किस तरीके से ट्रिमिंग करती हूँ, एक मिड स्लिक पीछे तक निकालते हुए बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक जैसी नाप लेनी है अपने बालों को स्ट्रेट करते हुए, पॉइंट को जो लास्ट पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। अब मैं अपने हेयर को हल्का हल्का ट्रिम कर दूंगी, तो जितने डैमेज हेयर हैं वो किसी काम के नहीं है। अगर आप स्प्लिट एंड्स के साथ अपनी हेयर ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे तो आपके आगे के भी जो बाल होंगे वो खराब होते जाएंगे, यानी कि आपके बाल बहुत थिन होंगे, डैमेज होंगे, हेल्दी नहीं दिखाई देंगे, बहुत ही रफ आपके बाल जो नीचे के होंगे वो ग्रो करेंगे। सो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप जितने आपके हेयर डैमेज हो चुके हैं उतने आप ट्रिम कर दीजिए और इसका आपको टाइम टू टाइम ख्याल रखना है ताकि आपके बाल आगे चल के डैमेज ना हो, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे फ्रीली तो ये फिर से आपके डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती आप हर महीने अपने बालों को ट्रिम कीजिए, पर हाँ आप 3 से 4 मंथ बाद अपने हेयर को 0.5 सेंटीमीटर से भी कम ट्रिम कर सकते हो।
और अब बात करते हैं हम मैजिक ट्रिक की अपने यानी कि होम रेमेडी की। सो इसके लिए आपको 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट आपको एलोवेरा जेल चाहिए। जब मैं बात करती हूँ नेचुरल चीजों की तो फिर मैं केमिकल चीजों को नहीं यूज करना चाहती। लाइक अगर बात करें मेडिकल वाले एलोवेरा की, जो कि बहुत सारे ब्रांडेड आते हैं ब्रांड के, लेकिन उनमें प्रिजर्वेशन होता है तो मैं उसे भी प्रिफर नहीं करती हूँ। मैं घर वाला एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। और तो आप भी अपने हेयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 3 से 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लोगे। और उसमें हम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं, वो है विटामिन ई कैप्सूल। आपके बाल डैमेज होते हैं क्योंकि लेयर डैमेज होती है लैक ऑफ विटामिन, तो इसलिए बालों की मजबूती के लिए, बालों को रिपेयर करने के लिए विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप उसे नेचुरल रिसोर्सेज से दें या फिर आप इस तरीके से टैबलेट ले सकते हैं। सो आपको यहाँ पे 1 कैप्सूल ही यूज करना है विटामिन ई का, इसमें मिक्स करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल आपको 1 टेबल स्पून लेना है। और फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है वो लास्ट है और ये है हनी। कुछ लोग बोलते हैं कि हनी से उनके बाल व्हाइट हो जाते हैं। ग्रे हेयर कभी भी हनी से नहीं होते। फर्स्ट थिंग आपकी डाइट अनबैलेंस है या फिर आप कुछ भी अगड़म बगड़म खा रहे हैं उसकी वजह से। दूसरा, या तो आपके बालों में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर आप ऐसी कुछ चीजें इंगेज कर रहे हैं लाइक निकोटीन वगैरह, या फिर आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी है, तो इस वजह से हमारे जो ग्रे हेयर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हनी से आपके बाल व्हाइट होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज हम जब ओवर लेते हैं ओवर डोज में तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कोई भी चीज है वो लिमिटेड यूज करते हैं तो चाहे हेल्दी चीज है वो हेल्दी ही है। सो इसलिए हनी से कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। हनी को भी इसमें ऐड करने के बाद पेस्ट को अच्छे से मिक्स करिए, मिक्सचर बनाइए और अब आप अपने हेयर पे इसे अप्लाई कीजिए। हेयर को कितना कवर करना है और आप अपने हेयर को स्काल्प छोड़ते हुए आप हाफ पोर्शन से अपने हेयर को कवर कर लीजिए, क्योंकि ये वो वाले हेयर हैं जो कि पॉल्यूशन के टच में भी आते हैं या फिर नीचे रहते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो आप स्काल्प को लीप कर दीजिए और नीचे के जितने भी हेयर हैं उन्हें अच्छे तरीके से इस मिक्सचर के थ्रू, इस रेमेडी के थ्रू कवर कर लीजिए। आप अच्छे से रेमेडी को अप्लाई कर लेना, क्योंकि पर हेयर में रेमेडी जानी चाहिए। पर हेयर का अपना एक अलग न्यूट्रिशन एवरेज है। जब आप स्काल्प में अप्लाई करते हो तो स्काल्प कवर कर लेता है। आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो अगर थोड़ा बहुत एरिया छूट भी जाता है, लेकिन यहाँ पे आप हेयर पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पर हेयर को न्यूट्रिशन देना है। तो इसलिए अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब आप इसे बन बना लीजिए, क्योंकि इसे आपको कम से कम 30 मिनट तक लीव करना है ताकि ये जितना भी सप्लीमेंट्स है आपके हेयर में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो। तो आप चाहे तो बन बना सकते हैं या जैसे आप कंफर्टेबल है अपने हेयर को आप आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए। देन आप अपने हेयर को वॉश कर लोगी किसी भी शैम्पू से। शैम्पू हमेशा यूज करें माइल्ड हो, जो केमिकल फ्री हो। आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें, प्लीज एक बार उसे पूरी तरीके से चेकआउट कर लें। अगर वो अच्छी तरीके से नेचुरल है, केमिकल फ्री है, तो ही उसको इंगेज करें, इंटेक करें, नहीं तो अवॉइड करें। तो इस तरीके से इस रेमेडी को फॉलो करना है। हेयर वॉश करने के बाद आप कॉम कर लीजिए नॉर्मली और अपने बालों को ड्राई कर लीजिए। वरना आपको सिर्फ 1 मंथ ही फॉलो करना है, यानी कि आप 5 से 6 बार ही अपने हेयर्स के ऊपर इस रेमेडी को अप्लाई करें और बस इतने ही टाइम यूज करने के बाद आपके स्प्लिट्स रिकवर हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपने स्प्लिटेंस का ख्याल रख सकते हो नेचुरल तरीके से। मोस्टली रीजन जो होते हैं स्प्लिटेंस के वो है कि अगर आप, मैंने कहा ना निकोटीन वगैरह, अगर आप इन्वॉल्व हो कोई भी स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो तो ये भी रीजन हो सकता है आपके बालों को डैमेज होने का। दूसरा, मौसम चेंज होता है तो भी आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है। या फिर आपका जो वाटर है खारा पानी है, तो खारे पानी से अगर आप अपने हेड को वॉश कर रहे हैं तो भी आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। अनबैलेंस डाइट की वजह से, हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, या आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर स्प्लिट देखने को मिलते हैं आपके हेयर में। और अगर आप अपने बालों को कवर नहीं कर रहे हैं जब आप बाहर जाते हैं और जब आप एयर या पॉल्यूशन को फेस करते हैं, तो उस वक्त अपने बालों को कवर करके
सो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से अगर आप अपने हेयर की केयर करेंगी तो भी आप इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगी। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। तो फर्स्ट हमने इसमें यूज किया है, भाई इंग्रेडिएंट यूज किया है तो उसके बेनिफिट्स तो बताने पड़ेंगे कि ये इंग्रेडिएंट क्यों इस प्रॉब्लम के लिए मैंने यूज किए। तो फर्स्ट मैंने यूज किया एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर स्प्लिटेंस। एलोवेरा जेल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो कि आपके हेयर के ऊपर से डेड लेयर को रिमूव करता है, और ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी है स्प्लिट को एंड करने के लिए। सेकेंड हमने यूज किया है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों को मजबूत, स्ट्रांग और रिपेयर करने में। बेसिकली स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम जब भी होती है, जब आपके फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, तो ये विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ एंटी ऑक्सीडेंट वर्क करता है यहाँ पे, जिससे आपके फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, आपके स्प्लिट्स को भी एंड करता है। नेक्स्ट हमने यूज किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एज अ कंडीशनर का काम है आपके बालों को स्मूथ करना। जब आपके बाल स्मूथ रहेंगे तो वो डैमेज नहीं दिखेंगे, डैमेज नहीं लगेंगे, ड्राई भी नहीं दिखेंगे, तो जिससे उसकी जो अपर लेयर है वो रिपेयर रहेगी, रफ नहीं होगी और रफ की वजह से वो डैमेज भी नहीं होगी। लास्ट हमने इसमें यूज किया हनी। हनी आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों में स्मूथनिंग लाता है, बालों में मॉइस्चर को लॉक करके हेयर्स के पोर्स को नरिश करके रखता है, जिसकी वजह से बालों में स्मूथनिंग रहती है, बाल हमारे स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और क्रिटिकल लेयर डैमेज नहीं होती है। सो ये थे बेसिकली रीजन कि मैंने ये चारों इंग्रेडिएंट क्यों यूज किए। बाल हमारे स्पीड जब भी होते हैं जब वो हवा के टच में आते हैं, पॉल्यूशन के टच में आते हैं, गंदे पानी के टच में आते हैं, या हमारी जो डाइट है वो अनबैलेंस है, जिससे हमारे बाल भी अनहेल्दी हो जाते हैं और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक गिव योर थंब, कमेंट ड्रॉप करें अपना कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं वीडियो बनाती रहूं और आप लोग उसका रिस्पांस नहीं दोगे। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।